मनीषा और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का व्लॉग है मेरा मोस्ट व्यूड वीडियो जो कि मेरे होम टूर के ऊपर है जो 1.3 मिलियन के आसपास गया है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपको मेरा होम टूर का वीडियो इतना पसंद आया और मेरा होम इतना अच्छा लगा। क्वेश्चंस बहुत आ रहे थे तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर एक व्लॉग बना दूँ तो मैं शुरुआत करूँगी पॉइंट टू पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट था कि स्क्वायर फीट, कि मेरे घर में घर का कितना स्क्वायर फीट है और एरिया कितना है। तो स्क्वायर फीट ऐसा है कि नीचे का 200 स्क्वायर फीट होगा और ऊपर का 300, बिकॉज दोनों साइड का जो गैलरी था, मतलब फ्रंट एंड साइड का, हमारा जो ये रूम है वो कॉर्नर पे आता है तो हमें दोनों साइड की गैलरी मिली थी, एक फ्रंट वाली और एक साइड वाली। तो हम लोग ने वो दोनों गैलरी के अंदर ले लिया तो ऊपर का जगह ऑटोमेटिकली बढ़ गया। इसके लिए हमारा बेडरूम और किचन बड़ा दिखता है और नीचे का हॉल थोड़ा छोटा लगता है। तो रैंडमली नीचे का हॉल आप बोले तो 11x18 स्क्वायर फीट उतना रहेगा और एरिया 200 स्क्वायर फीट और ऊपर का थोड़ा बड़ा है, जिसमें कि हम लोग ने बेडरूम, किचन एंड टॉयलेट बाथरूम सब बिठा दिया है, जो कि आपने देखा ही होगा। तो बहुत सारे जन का ये क्वेश्चन था कि स्क्वायर फीट। बेसिकली चॉल के रूम में स्क्वायर फीट बहुत कम रहते हैं, बट जो हमारा चॉल है, जो हाउसिंग सोसाइटी है, उसमें मोस्ट ऑफ घर जो है वो बड़े बड़े एरियाज बड़े बड़े हैं, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा एरिया मिल सकता है। सेकेंड पॉइंट था कि आपका लोकेशन किधर है। तो लोकेशन ये है साकीनाका में, 90 फीट रोड से थोड़ा आगे आना पड़ता है, मेट्रो यहाँ से 5 मिनट के दूरी पर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10 मिनट्स यहाँ से लगता है, यस हार्डली 10 मिनट्स, और सबसे क्लोज स्टेशंस है अंधेरी एंड घाटकोपर और कुर्ला। अंधेरी घाटकोपर इसके लिए है क्योंकि हम लोग को मेट्रो से बहुत नज़दीक है। तो ये रहा लोकेशन, अपना प्रॉपर एरिया और लोकेटेड कहाँ है वो। थर्ड पॉइंट था टोटल कॉस्ट अमाउंट ऑफ माय होम। बेसिकली क्या है कि ये घर नया नहीं है, 4 साल पुराना है, अभी 5th ईयर ये घर को शुरू है, तो प्राइस रेट थोड़ा अप डाउन हो सकते हैं, क्योंकि वो टाइम पे जो फर्नीचर के या फिर सीमेंट जो भी लगा हो उसका प्राइस अभी थोड़ा बढ़ चुके हैं तो ये 4 साल पुराने प्राइस है, मैं आपको बता रही हूँ। घर सबको नया ही लगता है तो वो सब मुझे कमेंट्स में बोलते हैं कि आप ये करो, ये थोड़ा चेंज करो, बट घर पुराना हो चुका है, अभी 5वां साल चालू है, तो मेंटेन रखती हूँ इसके लिए, वो ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा नया है। कॉस्टिंग ऐसा था कि हम लोग ने 35 लाख पे ख़रीदा था, जो कि ये टिपिकल चॉल वाला घर था जिसमें कुछ भी नहीं था, मतलब बेसिकली चॉल के रूम एक जैसे ही रहते हैं, कुछ उसमें मतलब हाँ, लेकिन हम लोग को ऐसा था कि थोड़ा इनोवेटिव बनाना था। तो सबसे पहले हमारे जो फ्रेंड थे इंजीनियर, तो उनसे हम लोग ने प्लान लिया, उन्होंने हम लोग को 2 बेसिक प्लान दिए थे घर के बारे में, जिसमें कि जो सेकंड वाला प्लान था वो मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। तो सेकंड वाले प्लान के हिसाब से हम लोग ने ये घर तोड़ के बनाएंगे ऐसा सोचा, तो वो हिसाब से हम लोग ने हमारे जो इंजीनियर है उनसे बजट पूछा, तो उन्होंने बजट
विद फर्नीचर कारपेंटर और सबके साथ में दिया था। उसमें सोफा और बाकी सब मतलब ये टीपॉय टीवी वगैरह कुछ नहीं था, ओनली फर्नीचर था और घर तोड़ के वन प्लस करना था और हाइट थोड़ा और बढ़ा के कंसील करना था। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने पूछे कॉस्ट, तो खरीदा था 35 लाख में और विद फर्नीचर हम लोग को खर्चा आया है 12 लाख। यस, मतलब अराउंड 35 एंड 12 लाख इतना में ये घर 4 साल पहले रेडी हो गया था पूरा टोटल खर्चा। और बाद में हम लोग ने टीवी और सोफ़ा टिपॉय ये सब बाद में लिया, उसका 3 से 4 लाख पकड़ के चलो, मतलब इतना टोटल खर्चा आया। 35 लाख तो हम लोग ने हैंड कैश दिया था उनको, ओनली उनका जगह था वो जगह का, बाकी सब मतलब हमारे इंजीनियर ने जो दिया था उनको 12 लाख और ऊपर से 3-4 लाख, मतलब वो 15 लाख वो 35 लाख, टोटल 50 लाख तक ये घर रेडी हो गया था, टोटल कंप्लीट हो गया था, उसमें और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। यस, कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है बट वो ड्रीम्स वो फीलिंग भी है ना कि घर में रहे तो एकदम सुकून जैसा लगता है, वही था। तो ये था मेरे घर का कॉस्ट। फर्नीचर का पूछा था बहुत जनों ने कि टीवी यूनिट कहाँ से बनाया है, आपका बेड कहाँ से बनाए, तो इसका अलग अलग प्राइस नहीं था, टोटल प्राइस ही उन्होंने बताया था कि 12 लाख विथ टीवी यूनिट, अपना मेरा जो बेड है वो, और ऊपर का पूरा किचन ट्रॉलीज, किचन का पूरा सेटअप या फिर बेडरूम का पूरा सेटअप हो, वो सब चीज़ का उन्होंने 12 लाख बोला था। तो फर्नीचर का उसमें ही ऐड हो गया था। आपको चाहिए तो मैं कारपेंटर का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वो जो है वो घर पे आके ही बना देते हैं, मुंबई पुणे वो ऑर्डर लेते हैं, बेस्ट है। और उनका ऐसा है कि वो फर्स्ट आपको चॉइस देते हैं, मतलब अपना खुद का चॉइस आप सिलेक्ट कर सकते हो, कलर कॉम्बिनेशन फर्नीचर का हो या फिर कौन से क्वालिटी में चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए, आप कितना स्क्वायर फीट में चाहिए, वो आप उनको डिटेल बता देना तो आप वो अपने हिसाब से आपको बजट भी बता देंगे। तो मैं उनका नंबर ऐड कर दूँगी। फिर वापस क्वेश्चन था ये कि फिफ्थ वाला की डिज़ाइनर, यस, इस घर में कोई इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं हायर किया था, ये मैं आपको बोल रही हूँ, नहीं हायर किया था। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि इंटीरियर डिज़ाइनर का नंबर आप दे दो, इंटीरियर डिज़ाइनर ये मैं और मेरे हस्बैंड खुद थे, हम दोनों ने कलर से लेके फर्नीचर के कलर तक का और सोफ़ा सेट कॉम्बिनेशन सब चीज़ में हम दोनों ने चॉइस किया है बैठ के, मतलब वो हमें बताते थे कि कौन से कलर में आपको चाहिए, तो फिर हम लोग थोड़ा ऑनलाइन सर्च करते थे कि ये अरे ये कैसा लगेगा, ये मैच कैसा होगा ऐसे, फिर कर्टन्स हो चाहे जो भी हो, झूमर हो या फिर जगह कहाँ कहाँ कैस कौन सी चीज़ें सेट करनी चाहिए, ये हम दोनों ने बैठ के डिस्कस करके फिर वो हिसाब से थोड़े थोड़े करके चीज़ें लाई और उसके हिसाब से भी कलर कॉम्बिनेशन किया। तो इंटीरियर डिज़ाइनर कोई नहीं था, तो सॉरी मैं उनका नंबर नहीं दे सकती आपको। फिर 6 पॉइंट था सोफ़ा प्राइस। ये सोफ़ा इनका शॉप मलाड़ में है मुंबई में, और ये आके होम डिलीवरी करते हैं फ्री में, और आपका सबसे पहले घर देखते हैं, घर देखने के बाद आपको डिज़ाइन चॉइस रखते हैं, ऊपर से अगर आपका खुद का हो, नेट से निकाला हुआ डिज़ाइन हो या फिर कहीं से भी आपने देखा हुआ हो, उनके फ़ोटोज़ हो, तो वो हिसाब से भी ये बना के देते हैं। तो इनका पहले इन्होंने हम लोग को रैंडमली ऐसा एक डिज़ाइन दिया था, और इसका सोफ़ा का प्राइस है 40,000 जो कि 4 साल पहले का तो 40,000 था, और इनका शॉप मलाड में है, वेस्ट में,
इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो ये अपने आपके डिज़ाइन के हिसाब से और आपको जो मैचिंग होगा, जो कलर कॉम्बिनेशन पसंद है, कपड़ा कौन सा चाहिए, लेदर लेदर ये वाला सोफ़ा लेदर का है, तो जो आपको चाहिए वो हिसाब से वो बना के देते घर पे आके। फर्स्ट आपका रूम का स्क्वायर फिट वो पूरा देख लेंगे, उसके बाद आपको डिज़ाइन देना होगा उनको, तो वो बता देते हैं कि इतने में कैसे कैसे हो जाएगा। फिर पूछा था टीपॉय प्राइस के ऊपर, तो टीपॉय का नंबर मैं डाल दूंगी इनके इनका भी, लेकिन ये हम लोग ने कौन से शॉप से नहीं ख़रीदा था, ये जो टीपॉय है ये हम मेरे हस्बैंड प्रॉफिट मार्केट से लाए थे और इसका प्राइस भी हार्डली 30,000 के ऊपर है। यस, मतलब ये पूरा लकड़े का है बट ऐसा लगता नहीं है, लकड़े का है, उसके ऊपर कांच फिटेड है और इसमें एल्यूमिनियम प्लेट भी है, तो ये है। वापस क्वेश्चन आया था झूमर के ऊपर, जो झूमर है ना दोनों जो हम लोग ने वो लास्ट में लाए थे और इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बताया था, ये भी प्रॉफिट मार्केट जो मुंबई में बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें आपको हर डेकोरेटिव चीज़ मिल सकती है, मतलब आपको बहुत सारे घर के जो भी इंटीरियर चीज़ें है, शोपीस हो या फिर मैट हो या फिर झूमर हो, लेकिन वो लोग प्राइस बहुत हाई बताते हैं, आपको थोड़ा बार्गेनिंग करना करते आना चाहिए। तो झूमर का प्राइस उन्होंने बताया था 40,000 के आसपास, दो झूमर का जो कि लाइट के ऊपर है, उनका रिमोट है और वो रिमोट के ऊपर कलर चेंज वगैरह सब होता है झूमर को, तो लेकिन मेरे हस्बैंड ने वो 16,000 मतलब 16,000 में दो लेके आए थे। तो ये है झूमर का प्राइस। वाटर सप्लाई के ऊपर बोला था, मतलब पूछा था कि आपका घर इतना हाइटेड है कि वाटर सप्लाई कैसे करते हो और कैसे पानी का, एक्चुअली क्या है हमारा जो एरिया है इसमें पानी का बिल्कुल भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा जो घर है वो रोड से हार्डली 1 से 2 मिनट के टच में है, मतलब आप घर के बाहर निकलो तो रोड ही है, मेन रोड है, तो यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम नहीं है। रात के 9 बजे से सुबह 9 बजे तक पानी फुल प्रेशर में रहता है, मोटर पंप का कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लोग ने 2 पंप बिठाए, एक मोटर है और एक प्रेशर पंप है जो कि प्रेशर छोड़ता है और घर में पूरे पानी हर जगह, मतलब आप यूज़ कर सकते हो एक के टाइम में, वन टाइम में, किचन हो या बाथरूम हो या फिर वॉशिंग मशीन हो, ऐसे 2 पंप हम लोगों ने बिठाए, मोटर का ज़रूरत पड़ता नहीं है, पानी ऑटोमेटिकली चढ़ जाता है क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और बाकी प्रेशर पंप जो घर का अंदर का यूज़ के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और इतना सारा क्वेश्चंस तो ये था मेरे घर के ऊपर, और भी बहुत सारे अगर क्वेश्चंस थे लेकिन मैं इतना सारा बता रही हूँ थोड़ा बहुत, तो कि बाबा जो मेन है, बहुत सारे जिनको सोफ़ा पसंद आया था, झूमर पसंद आया था, मेरा टीपॉय का जो पसंद आया था, लेकिन मैं उनका नंबर भी ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और आप भी अपने घर को ऐसे सुंदर बना दीजिए। आई नो कि प्राइस बहुत हाई है, थोड़े मतलब वो अभी थोड़े और बढ़ भी गए होंगे क्योंकि वो हिसाब से अभी मटेरियल वगैरह बहुत था है, बट ठीक है, घर एक बार ही बनता है और हम लोग ने तो बना दिया, और आप लोग भी बना सकते हो तो ज़रूर ये कर दो, और ये हिसाब से ही अपना घर सुंदर ब्यूटीफुल बना देना, और मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे। Thank you.